मैटर वेव, या इसे हम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। डी ब्रॉगली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है डी ब्रॉगली वेव। देखिए क्या है यहां पर, डी ब्रॉगली का आइडिया बड़ा जबरदस्त था। हालांकि उस समय उसको चोर साइंटिस्ट बोला गया कि इसने कई चीजें इधर उधर मिला इला के सब निकाल दिया, लेकिन डी ब्रॉगली का एक्चुअली ये कहना था कि ये यूनिवर्स जो है हमारा बेटा, ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये दो चीजों से बना है, मैटर एंड रेडिएशंस। मैटर जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं आसानी से, वो सब मैटर है, और जिन चीजों को हम टच नहीं करते, जैसे जो खाली स्थान हमारे आसपास जो है, उस सब जगह पर रेडिएशन या किसी तरह की एनर्जी है। तो उसने कहा ये पूरा यूनिवर्स मैटर और रेडिएशन से बना हुआ है। तो उसका आइडिया कुछ ऐसे था, जो बेसिक आइडिया जिससे उसके मन में डी ब्रॉगली वेव का प्रस्ताव आया, वो क्या है, यूनिवर्स दो चीजों से बना है। पहला है रेडिएशन, तुम्हें पता रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आती है, और दूसरा है मैटर। मैटर मतलब जो चीज आप हाथ से टच कर सकते हैं। रेडिएशन का मतलब हुआ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हुई। तो तुमने पढ़ा भी रिसेंटली कि रेडिएशन में डुअल नेचर होता है, इसके पास पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों होता है। इसलिए रेडिएशन यानी लाइट इज अ वेव, हम रिसेंटली पढ़ ही रहे थे वेव ऑप्टिक्स में कि लाइट वेव होता है और लाइट पार्टिकल होता है। ये हमने कहां पढ़ा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा। तो जब इसने कहा कि रेडिएशन में डुअल नेचर होता है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, अगर वेव नेचर दोनों है अगर रेडिएशन में, तो उसने एक बड़ा शानदार सा स्टेटमेंट दिया। उसने क्या कहा, इट्स नेचर्स नेचर टू हैव सिमेट्री, यानी नेचर माने प्रकृति, ये प्रकृति का नेचर है, स्वभाव है कि वो सभी के साथ समानता का बर्ताव करता है। तो अगर ये यूनिवर्स इस नेचर में जो कुछ क्रिएट करता है रेडिएशन और मैटर, रेडिएशन में अगर डुअल नेचर पार्टिकल नेचर है, तो निश्चित रूप में मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। मैटर कोई चीज, पेन भी मैटर है, अर्थ प्लेनेट भी मैटर है, कोई भी चीज जिसमें कुछ मास है जिसे हम हाथ से टच कर सकते हैं, वो मैटर है। तो मैटर में पार्टिकल नेचर तो है ही है, मतलब हर मैटर एक पार्टिकल है, छोटा या बड़ा। तो उसने कहा निश्चित रूप से मैटर के पास एक वेव नेचर भी होना चाहिए। बस यहीं से उसके मन में आया कि क्या मैटर के साथ कोई वेव एसोसिएटेड होती है, और इसी आइडिया को लेकर के डी ब्रॉगली आगे चलता है। तो उसने कैलकुलेशन के बाद बताया, हम पहले आ रहे हैं कि मैटर वेव होता क्या है। तो उसने कहा मैटर वेव क्या है, वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। अगर इस पेन को मैं कुछ गति से फेंक दूं तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी, उसे हम मैटर वेव कहेंगे। तो मैटर वेव क्या कहता है, वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। यार क्योंकि डी ब्रॉगली ने कहा तो डी ब्रॉगली बोली, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेव एसोसिएटेड मूविंग पार्टिकल, इसका मतलब पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव नहीं है बेटा, मूविंग पार्टिकल के साथ। तो ध्यान रख लो, आगे हम तो साबित भी कर देंगे कंसेप्ट में न्यूमेरिकल में कि मूविंग पार्टिकल के साथ ही होता है। तो इतना लिखो फिर आगे बढ़ाया जाए, इसलिए डी ब्रॉगली वेव है। देखिए आप सभी जानते हैं एक फोटोन के साथ एनर्जी ई कड़ू एच न्यू होता है, एंड तुम्हें यह भी पता है एक मास पार्टिकल, अगर स्पीड ऑफ मास पार्टिकल से एसोसिएटेड एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस। दोनों को कंपेयर करें तो आप देखिएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आएगा। एच न्यू, न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर, सी से ये कैंसिल हुआ तो लैम्डा इक्वल टू अगर आप देखें तो एच अपॉन एम सी आ जाएगा। जहां पर बेटा इस इक्वेशन में अगर आप देखें c इज द स्पीड ऑफ फोटोन, इस फोटोन की स्पीड थी, यहां पर c इज द स्पीड ऑफ लाइट या फोटोन, वही की बात है। तो अब इसमें किया कि इफ c इक्वल टू v यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, मास m के पार्टिकल की स्पीड है, तो ये फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को स्टार से लिख देते हैं, ये वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। आपको पता है वेयर एम वी इक्वल टू पी होता है, जिसे हम मोमेंटम भी कहते हैं, मोमेंटम होता है। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, यहां से बात आती है इक्वेशन टू स्टार। तो बेटा यहां पर ये जो लैम्डा है इट इज कॉल्ड, लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आप देखिएगा यहां पर है क्या, आप मेन बात आइएगा नोट। पहला देखो, इफ v इक्वल टू जीरो,
v इक्वल टू जीरो का मतलब पार्टिकल रेस्ट में है, तो इक्वेशन स्टार देखो क्या आ जाएगा, देन इक्वेशन स्टार में अगर आप देखें लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब समझते बेटा, इन्फिनिटी का तो वेवलेंथ, इन्फिनिटी का तो वेव है ही नहीं भाई। वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है मतलब इतनी लंबाई को वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। अब अगर लैम्डा इन्फिनिटी है इसका मतलब वेव ये चली और ये ऐसे ही जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कहूंगा भैया लैम्डा, तुम कहोगे इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी पर डिप मारेंगी ऐसे जैसे ये डिप मारेंगे इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब ये वेव है ही नहीं, सीधी लाइन में जा रही। तो लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब देयर इज नो वेव, इसका मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट में होता है तो लैम्डा इन्फिनिटी में है तो इसका मतलब है अब पार्टिकल के साथ वेवलेंथ नहीं है, इसका मतलब केवल मूविंग पार्टिकल के साथ डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होती है। बोले क्लियर? तो विच मीन्स इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट देन नो मैटर वेव विल बी एसोसिएटेड, कोई मैटर वेव एसोसिएट नहीं होगी, ये बात आती है। दूसरी चीज और आइएगा, अगर आप इक्वेशन टू स्टार ले लें या वन स्टार लें, बट आप दोनों में देखो कहीं पे भी चार्ज नाम का चीज नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उस समय बोला था कि जिसे आप मैटर वेव कह रहे हो ये वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से पैदा होती है, तो तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है बेटा मूविंग चार्ज, सॉरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से। तो लोगों ने कहा था कि डी ब्रोगली वेव असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनचार्ज पार्टिकल के साथ नहीं एसोसिएट होती है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है। और ना तो इस इक्वेशन में ना इसके पहले जो हमने एच अपॉन एम वी लिखा था उस इक्वेशन में कहीं पर भी चार्ज नाम की चिड़िया नहीं है, इसका मतलब डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बोलिए क्लियर? तो अगला पॉइंट अगर आप ले लें इसमें सेकंड, ये फर्स्ट था, लिखोगे डी ब्रोगली वेव इज नॉट ईएम वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, क्यों वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नो चार्ज इज एसोसिएट, मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ चार्ज इन इक्वेशन टू स्टार एंड वन स्टार। तीसरा, ये बेटा मैकेनिकल वेव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद है मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम, और इसमें डी ब्रोगली वेव के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, वैक्यूम में भी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ डी ब्रोगली वेव होगी। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव भी नहीं। डी ब्रोगली वेव को बेटा पायलट वेव्स भी बोला जाता है, डी ब्रोगली वेव्स आर ऑल्सो नोन एज पायलट वेव्स, क्यों, क्योंकि जैसे प्लेन को पायलट जो होता है वो गाइड करता रास्ता दिखाता है, वैसे डी ब्रोगली वेव जो है ये किसी मूविंग पार्टिकल को रास्ता दिखाती है। अब हुआ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हो और गति में हो तो है तो बेटा वो पार्टिकल ही, तो भैया उस चार्ज पार्टिकल के साथ डी ब्रोगली वेव भी होगा, ठीक है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा उसके साथ ईएम वेव भी होगा, लेकिन डी ब्रोगली वेव गलत तरह की वेव है। तो मैं अगला पार्ट यही कर रहा हूं, डी ब्रोगली वेव वेवलेंथ ही कर लेते हैं ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब एक चीज बताइएगा, किसी चार्ज पार्टिकल को गति देने का एक ही तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप वहां पर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करें। तो पहले तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सिंस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, यहां से आइएगा, बट तुम्हें याद है काइनेटिक एनर्जी, अगर आप लें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम ई से लिख रहे हैं बेटा, अब आप कहोगे ई से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब डी ब्रोगली वेव का होगा तो पार्टिकल के पास एनर्जी जो होगी बेटा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होगी, क्योंकि गति की वजह से है, वहां पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एनर्जी लिखूं ई से या काइनेटिक एनर्जी लिखूं एक ही बात है, या पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू तुम्हें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो मैं चलो शुरुआत में मैं काइनेटिक एनर्जी को के से ही लिख देता हूं, बाद में ई से रिप्लेस कर दूंगा, कारण मैंने बता दिया। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम, एम वी मोमेंटम होता तो पी स्क्वायर बाय टू एम। मुझे इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, आप पहले भी कर चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में, लेकिन मैंने कर दिया। पी इक्वल टू अंडर रूट टू के एम होता है, क्योंकि हमें के टर्म में यह फॉर्मूला ज्यादा आसानी से याद, इसीलिए मैंने इसको के कर दिया। तो आई मीन टू से दिस फार्मूला इक्वेशन नंबर वन, इसमें पी कैन बी रिप्लेस बाय दिस, यानी कि अगर मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी और मास लिखें तो फार्मूला वन जो है वो ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन वन आ जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एच अपॉन अंडर रूट टू एम के, मैं फिर बताऊं के को हम ई से भी लिखेंगे तो चलेगा,
तो हम आगे लिख देंगे, बट काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी, एनर्जी किसी भी मूविंग पार्टिकल की ही काइनेटिक एनर्जी है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2ME से लिखने का ज्यादा आदत है, ई एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब तुम्हें एक चीज और याद होगा कि इफ वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के तो चार्ज चलेगा नहीं, तो तुम्हें याद रहेगा देन काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने ई से डिनोट किया है वो क्यूवी होता है, तो आप ई को आप यहां क्या लिख सकते हैं क्यूवी, तब बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आ जाएगा दैट इज अंडर 2m क्यूवी आ जाएगा, यहां से हटा के वहां लिए जाते हैं, तो आप देखिएगा तब इक्वेशन तीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये लिख लिया था मैंने, मिटा तो नहीं दिया गलत, ठीक है। तो देयरफॉर देखिएगा इक्वेशन थ्री कैन बी रिटन एज आप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mqv लिख सकते हैं, सब कुछ लिंक्ड है, कोई फार्मा याद हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, समय बचता, ना याद हो तो फिर तुरंत लिंक करके निकाल लें। बोले यहां तक कोई क्वेश्चन, चलो इतना लिख लो पहले जल्दी से। तो डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े पार्टिकल के साथ अगर लिया जाए तो वो क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं इफ मास ऑफ अ पार्टिकल इज 1 kg एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड ले लो, देन फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी होता है, एच 6.6 इंटू 10^-34 हुआ, एम बेटा 1 है, वी बेटा आपने 100 मीटर पर सेकेंड लिया है, तो अगर आप इस लैम्डा को निकालें तो 6.6 इंटू 10^-36 आ जाएगा ना, ठीक। अब बताओ बेटा ये मीटर आया बेटा, इतने मीटर, हमारे पास आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बेटा बना है जो 10^-36 या 10^-35 मीटर की वेवलेंथ को निकाल सके, हम या साइज को निकाल सके, या तो एटॉमिक साइज याद करो बेटा 10^-10 मीटर के आसपास होता है, न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर तक होता है, 10^-15 मीटर से छोटा मेजरमेंट लेने वाले तरीके हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं, इसलिए जब 10^-15 या 10^-16 वगैरह से छोटी वेव्स आती हैं तो उन्हें हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो एसोसिएटेड होती है। तो लिखोगे दिस वेवलेंथ is very small, hence cannot be measured, therefore we do not observe de Broglie wave in daily life moving particles. तो de Broglie wave आम जीवन में आपको आसानी से नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जिस बड़े मास का, आप देखो बेटा ये मास जो है ये आपका छोटे, ये आप देखिएगा m है मास, इस मास की वजह से अगर ये छोटा मास होता, आप बताओ अगर ये माइनस में होता तो ऊपर जाके प्लस होता, और ऊपर जाके प्लस होता तो ये वैल्यू छोटी आ जाती, तो वास्तव में ये मास बड़े हैं, बहुत ही छोटे छोटे मास पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेव पाया जा सकता है, जैसे अगर हम इसकी जगह इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो डी ब्रॉगली वेव आपको दिख सकता है, और एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, उस जमाने में ही करीब 100 साल पहले देखी जा चुकी है और आज तो बड़ी आसानी से पाई जाती है। तो अब हम वही बात करने जा रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेव कुछ हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ जैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सेट्रा पता करना चाहते हैं, तो जरा सा लिखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, अब एक एक करके चलते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन विद बेटर वर्ड होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन, बताइए बेटा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज वाला फॉर लगाइएगा अंडर रूट 2mqv होता है, v को अननोन में हम डाल सकते हैं, बात समझिएगा बेटा, v मतलब होता है ना कि क्वेश्चन तय करे कि v क्या है, तो अगर हम यहां पर वैल्यूज रखें h की वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^-31 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10^-19 और v को v रहने दें, नेचुरली एक बात समझिएगा बेटा ध्यान से, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को, यहां पर जब ये आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा मीटर में आएगा, लेकिन अगर उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो तो लैम्डा की इसकी बड़ी पॉपुलर वैल्यू आती है वो है बेटा 12.27 अपॉन अंडर रूट ये वी, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, मतलब आफ्टर कन्वर्टिंग टू एंगस्ट्रॉम ये आता है,
तो इसलिए ये फार्मा याद रख लेने में बड़ा फायदा है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 12 का स्क्वायर करो तो 144 आता है, 12.27 का स्क्वायर करो 150 आएगा, तो आप इसको अगर स्क्वायर रूट में ले ले तो 150 अपॉन वी आ जाएगा। ये भी फॉर्म जो है याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। बोल क्लियर। फॉर मूविंग प्रोटॉन, तो पता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के सिर्फ और सिर्फ मास में फर्क आता है, चार दोनों का सेम होता है, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है। देखो मैं सीधे लिखूंगा आपको याद में, 0.286 अपॉन रूट बी ये आता है। याद करो इलेक्ट्रॉन के लिए था 12.27, प्रोटॉन के लिए है 0.286 अपॉन रूट बी। वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको शौक हो सॉल्व करिएगा, कोई फायदा नहीं है इस लेवल पे आकर के। इवन आप किसी भी लेवल पे हो, आपको बस ये पता होना चाहिए हाउ डू वी गेट दिस फार्मूला। वो एच अपॉन अंडर रूट 2mqv में रखने से आता है। q चार्ज ऑफ प्रोटॉन रख दो, m रख दो, सॉल्व करो, तुम्हारी वैल्यू जो है वो मीटर में आएगी, उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, ये आ जाएगी। बोले क्लियर। फॉर मूविंग न्यूट्रॉन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखने में तो फायदे हैं, क्योंकि कभी केवल कभी होता है ना बेटा, कंपेयर करने को आ जाता है, तो भैया हम कहां वहां पर जो सॉल्व करने में फंसा एग्जाम के अंदर उसके सवाल छूटेंगे। जो डेटा मतलब देखो बेटा, बहुत ही कम जानकारियां फिजिक्स में है जो डेटा की तरह याद रखी जा सकती हैं, और अगर उन्हें याद रखी जा सकता है तो कर ही लो, क्योंकि फिर वो इम्तिहान में आएगा, तुम्हें ये भी लगेगा कि हम ये कर भी लेंगे क्योंकि आसान है। लेकिन अगर डेटा याद नहीं है और आपने चार चीजों को कंपैरिजन दे दिया और चारों तुम कैलकुलेशन करोगे, तो तुम खुद ही देख लो इनमें वैल्यूज जो हमने इधर इलेक्ट्रॉन वाली रखी थी, कैलकुलेशन कितना गंदा है। मतलब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते हैं तो भी टाइम लगता है, तो बगैर कैलकुलेटर का तो समझ लो ये 5 क्वेश्चन का टाइम लेगा। जबकि जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है और उसके दिमाग में वो अटक गया है तो वो क्या करेगा, वो तो 1 सेकंड का टाइम लेगा, चलो 5 सेकंड रख लो, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला। तो याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है। देखो बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फर्क होता है आप जानते हैं, बताइए न्यूट्रॉन का चार्ज और मास से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या फर्क है? मास डबल होता है, चार सेम होता है ना। हाँ चलो खैर, देखो इन सब बातों के बावजूद भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये, अगर आप सिंबल ही देना चाहो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन वाला था उसमें चाहे तो लैम्डा ई सिंबल देके चल देना, वो हमारा आया था 12.27, उसी का लैम्डा ई लिख लो, अंडर रूट वी आया था, ये आया था प्रोटॉन का तो पी लिख लो, ये लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ये 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम आएगा, और एक अगला और अल्फा पार्टिकल का आ जाएगा। फॉर मूविंग अल्फा पार्टिकल में वही सब चीजें जाएंगी वैल्यूज, तो पता है मास जो होता है प्रोटॉन का 4 गुना होता है, चार्ज 2 गुना होता है, वगैरह वगैरह सॉल्व करोगे तो इसकी तुलना में आधा हो जाता है, 1.101 अंडर रूट बी आ जाता है। इतना याद रखना आपसे उम्मीद की जाती कि आप याद रखेंगे, ठीक। अब मैं एक चीज और चाहता था कि देखिएगा, मूविंग प्रोटॉन है, प्रोटॉन जैसा ही उसका सहपाठी है, सहभागी है, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, तो मैं इसको पॉइंट नंबर 5 लिखूंगा। लेकिन तुम कहोगे सर फर्क है उसमें, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल। एक्चुअली मैं इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि इसके वैल्यूज जो है बिल्कुल सेम आती है, बस एक टर्म बदलता है। तो फॉर मूविंग न्यूट्रॉन बेटा अनचार्ज पार्टिकल, तो बेटा बताइएगा अनचार्ज पार्टिकल है तो क्या हम वो फार्मूला यहां इस्तेमाल करें जो चार्ज पार्टिकल के लिए लग रहा था, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए लग रहा था? नहीं, अनचार्ज पार्टिकल है तो इसके लिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mk लिखना पड़ेगा, 2mk, या तो k को शायद हमने e से रिप्लेस कर दिया था, एम आई राइट? फॉर न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा एन अगर आप लिख लो न्यूट्रॉन के लिए, तो ये बेटा जानते क्या आ जाएगा, इसलिए मैंने इससे मिलाया, यही वैल्यू आती है ये, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऊपर का जो मल्टीप्लायर है ये आता है, बस फर्क एक आ जाता है, क्या यहां पोटेंशियल था, यहां पोटेंशियल नहीं है, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जाता है, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा जाता है, जो कि प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही बेटा। एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम आमतौर पर सेम लेते हैं, बहुत ही मामूली सा फर्क होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से रत्ती भर थोड़ा सा भारी होता है। कैलकुलेशन में अगर हम न्यूट्रॉन का मास यहां रखेंगे, ई क्या है बेटा? एनर्जी, एनर्जी आमतौर पर जूल पे होती है,
लेकिन अगर हम ये फार्मूला यूज करें जो हमने यहां लिखने में जा रहा हूं, और मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोटॉन की एनर्जी से रिलेट कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा यह तो 0.286 अपॉन रूट वी, यहां आएगा 0.286 अपॉन रूट ई, ई इज द एनर्जी एंड दैट इज ए कंडीशन है दैट विल बी टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना पड़ेगा और तब इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। बोल क्लियर, आपको याद हो जाता अच्छी बात है, ना याद हो निकालना इम्तिहान में, हमने थोड़ा तुम्हें मना किया है, निकालना आप है मुझे मार। अब बात यहां पर करेंगे थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज थर्मल न्यूट्रॉन? थर्मल न्यूट्रॉन चलिए हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी बात करके टाइम बता रहे, न्यूक्लियर फिजिक्स जल्दी ही आएगा, इसी जो अगला हफ्ता आ रहा है इसी में आ जाएंगे हम लोग। तो थर्मल न्यूट्रॉन, तो अगला लिख लीजिएगा, ये पॉइंट नंबर चार था पांच था, अब सिक्स आ जाएगा, तो आप लिखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। पहले तो आप ध्यान रखना न्यूट्रॉन है अनचार्ज पार्टिकल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अनचार्ज वाला आएगा और वो फार्मूला होता है एच अपॉन अंडर रूट 2mk या 2me होता है। बोलिए क्लियर ये बात, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन इक्वल टू kT होता है, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में लिखना है, और अगर आप इसको रखेंगे तो बेटा ये लैम्डा थर्मल न्यूट्रॉन जो आ जाएगा, थर्मल न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m और इसकी जगह kT आ जाएगा, राइट? ऑन सॉल्विंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इक्वल टू 30.83 सिर्फ 8 तक याद भी रख सकते हैं, अपॉन अंडर रूट टी आएगा, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। जैसे जब आप इसे करने जाओगे तो कई जगह पर थर्मल न्यूट्रॉन में, जैसे हमने ये फार्मूला बताया तुम्हें, थर्मल न्यूट्रॉन में ये आ गया फार्मूला, तो कुछ जगह पर थर्मल न्यूट्रॉन में ये फार्मूला जो है यहां पर 3mkT आएगा, 3mkT। अब होगा कि सर ये क्या है, लेकिन वहां एक कंडीशन देंगे, थर्मल न्यूट्रॉन इन हैवी वॉटर, हैवी वॉटर D2O की बात करेंगे, तो अब इसमें हम एक कंडीशन डालेंगे, आपने लिख लिया ये, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन इन हैवी वॉटर, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पता है कि जो मॉडरेटर की तरह हम यूज करते हैं वो हैवी वॉटर यूज किया जाता है आमतौर पर, तो हैवी वॉटर को अगर मॉडरेटर की तरह यूज किया है तो थर्मल न्यूट्रॉन इन हैवी वॉटर अगर आप ले, तो ध्यान रखिएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, ई लिखते थे, ई जहां पर k है, ई इज के काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर ध्यान रखिएगा हैवी वाटर में थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो 3/2 kT आ जाएगा। तो याद करो आमतौर पर जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं या KTG पढ़ते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, होता है ना 3/2 RT, 3/2 kT एक्सेट्रा, तो यहां पर ये लिया जाता है, यहां पर तो E जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट 2m और इसकी जगह 3/2 kT लेंगे, KOT का वही मीनिंग है जो प्रीवियस में था, तो उस समय थर्मल न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ अंडर रूट 3mkT, हैवी वाटर यूज करें 3mkT लगाओ। बोलो भाई बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इतना लिख लो। अब डी ब्रॉगली वेव ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, क्योंकि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेव होती है, तो हम गैस मॉलिक्यूल को क्यों छोड़ दें, आंसर यही आएगा, क्योंकि हैवी वाटर में थर्मल न्यूट्रॉन बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल की तरह ऐसे काम करते थे, ये हमने फॉर्मूला लिखा, तो इसलिए आप आ जाए डी ब्रॉगली वेव्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mv होता है, वी यहां पर क्या होगा, वी इज VRMS और VRMS इक्वल टू क्या होता है 3kT/m होता है, तुम लोग तो बोलते ही नहीं, तो इसलिए तुम गैस के लिए देखो, देयरफॉर लैम्डा गैस जो आ जाएगा, एक तो फार्मूला अंडर रूट m इंटू VRMS आ जाएगा, अगर गैस की RMS स्पीड दे तो ये फार्मूला आप लिखो आगे बढ़ो, और VRMS की ये वैल्यू डाल H अपॉन अंडर रूट 3kT/m आएगा,
इस m को स्क्वायर रूट में लिए जाए तो h अपॉन अंडर रूट 3 m स्क्वायर की t बाई m आता है, mm कैंसिल कर दीजिएगा, तो लैम्डा गैस इज अगेन h अपॉन अंडर रूट 3 m kt, थर्मल न्यूट्रॉन जैसा ही आ गया हैवी वाटर वाले। ठीक, चलिए मैं एक्चुअली चाह रहा था कि जल्दी से कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने दो तीन प्रॉपर्टीज तुम्हारे डी ब्रॉगली वेव की बता दी थी, क्या कि ये ईएम वेव्स नहीं है, ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ और लिखाएंगे, हो सकता है वो प्रॉपर्टी उसी का रिपीट हो जाए तो आप फिर लिख लीजिएगा, क्यों कलेक्ट करके एक जगह रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आइएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रॉगली वेव।